हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एस जी अकेडमी। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है कि ह्यूमन वायरल डिसीज़, यानी कि ऐसी कौन कौन से डिसीज़ वायरल डिसीज़ है जो कि हमारी स्पेशली ह्यूमन्स में होती हैं। तो आज देखिए, वायरल डिसीज़ का एक वीडियो पहले भी बन चुका है, लेकिन उस वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि वायरस किस वायरस से कौन सी डिसीज़ होती है और उसका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो किस तरीके का होता है। लेकिन हमारे एग्ज़ाम में कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपको दो से तीन डिसीज़, एक जैसे चार ऑप्शन दे दिए गए, हर एक ऑप्शन में आपकी दो दो या तीन तीन डिसीज़ दे रखी हैं और वहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि ऐसी कौन सी डिसीज़ हैं जो वाटर बॉर्डनी डिसीज़ हैं, या फिर ऐसी कौन कौन सी डिसीज़ हैं जो आर्थोपोड वेक्टर के थ्रू होती हैं, या फिर ऐसी कौन कौन सी डिसीज़ हैं जो कॉन्टैक्ट के थ्रू होती हैं। तो इस तरीके से अगर ग्रुप करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज का जो वीडियो है मेन इसी बेस पर फोकस्ड है कि आपको वाटर से कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से कौन सी डिसीज़ होती हैं, या फिर कांटेक्ट की वजह से कौन सी वायरल डिसीज़ होती हैं। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में है। आज के वीडियो में एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की गई है कि जो वायरस है आपका, वो वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है। हमारे एग्ज़ाम में कई बार जो अच्छे एग्ज़ाम होते हैं, हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ये भी पूछा जाता है कि ये डिसीज़ जैसे एड्स है, एड्स हमारा एचआईवी की वजह से होता है, लेकिन ये एचआईवी वायरस होता है किस फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर जो स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आज के वीडियो में उस फैमिली को भी मेंशन किया गया है। तो ये था, ये सारा का सारा है टॉपिक आज के वीडियो का। दोस्तों, अगर पहले कैटेगरी की बात करते हैं तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी डिसीज़ हैं जो बाई एयर वायरस हमारी बॉडी में आता है और हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज करता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले डिसीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले डिसीज़ हमारी चिकन पॉक्स है। तो चिकन पॉक्स होता है, हम लोगों में जो डिसीज़ होती है हमारी बॉडी में क्या होता है कि ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं छोटे छोटे, जो कि जो हमारा चिकन पॉक्स का मेन वो होता है, हमारा करेक्टरिस्टिक होता है आपका, और फीवर वगैरह भी इसमें हमको आता है। तो ये जो आपका डिसीज़ होती है चिकन पॉक्स, ये वेरियोला जोस्टर नाम का जो वायरस होता है, इस वायरस की वजह से चिकन पॉक्स डिसीज़ होती है। और ये जो डिसीज़ है इसके हम अगर हम लोग फैमिली की बात करते हैं तो ये बिलोंग करता है आपका हर्पिस विरिडी जो नाम की फैमिली है, इस फैमिली से बिलोंग करता है। मेन आपको देखो, विरिडी जो है आपका ये वायरस के लिए यूज़ किया गया है, ये आपको सभी फैमिली में कॉमन मिलेगा। आपको मेन याद रखना है कि ये हर्पिस, तो ये जो हर्पिस विरिडी नाम की जो फैमिली है, इस फैमिली से कौन बिलोंग करता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस बिलोंग करता है, और इसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। अगली डिसीज़ की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा डिसीज़ है हमारी। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है, कॉमन फ्लू जो होता है, उसी को ही हम लोग इन्फ्लुएंजा कहते हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंजा डिसीज़ होती है, ये हमारी होती है ऑर्थोमिक्सो वायरस की वजह से होती है, और ये वायरस बिलोंग करता है आपका ऑर्थोमिक्सो विरिडी इस नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो इन्फ्लुएंजा होता है किस वायरस की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा होता है ऑर्थोमिक्सो वायरस की वजह से होता है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये वायरस बिलोंग करता है ऑर्थोमिक्सो विरिडी नाम की फैमिली से बिलोंग करता है, इतनी याद रखना आपको। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड हमारे मिसल्स हैं आपके। अगर ये जो मिसल्स हैं, ये हमारे बॉडी में भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और अगर हम लोग इस डिसीज़ की बात करते हैं तो ये डिसीज़ हमारी होती है मोरबिली वायरस की वजह से होती है। तो मोरबिली वायरस की वजह से हमें मिसल्स होते हैं, और ये जो वायरस है आपके किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये हमारा पैरामिक्सो विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो मिसल्स हैं ये हमारी मोरबिली वायरस की वजह से होता है, और ये हमारा पैरामिक्सो विरिडी नाम की जो फैमिली है, इस फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद में अगर हम लोग स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं तो स्मॉल पॉक्स वेरियोला जो आपका वायरस है, इस वायरस की वजह से होता है, और ये वायरस बिलोंग करता है कि पॉक्स विरिडी नाम की फैमिली से। याद रखना है आपको, जो आपका स्मॉल पॉक्स होता है, ये स्मॉल पॉक्स आपका वेरियोला वायरस की वजह से होता है, और स्मॉल पॉक्स का जो वेरियोला वायरस होता है, ये पॉक्स विरिडी नाम की जो फैमिली होती है इससे बिलोंग करता है। अगर हम लोग मम्स की बात करते हैं, ये अगर मम्स जिसे गलसुआ भी कहते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये इसका जो वायरस है आपका, ये रुबेला वायरस होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को मम्स होते हैं। और इसकी फैमिली की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा पैरामिक्सो विरिडी नाम की जो फैमिली है इससे करता है। तो यहां पर ये कुछ डिसीज थी आपकी, जो डिसीज हमारी किसकी वजह से, यानी एयर की वजह से एक दूसरे पर्सन में फैलती हैं, तो ये वो डिसीज थी। जैसे चिकन पॉक्स हो गया, वेरियोला जोस्टर नाम का जो वायरस होता है, इस वायरस से होती हैं, और ये वायरस
बिलोंग करता है आपके हर्पिस विरिडी नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। इन्फ्लुएंजा जो डिसीज होती है, इन्फ्लुएंजा डिसीज हमारी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो ऑर्थोमिक्सो वायरस की वजह से होती है। और ऑर्थोमिक्सो वायरस बिलोंग करता है ऑर्थोमिक्सो विरिडी नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद में हमारे हैं मेसल्स हैं आपके, तो मेसल्स जो डिसीज है आपकी ये किसकी वजह से होता है, ये वायरस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा मॉर्बिली वायरस की वजह से होती है डिसीज। और जो आपका ये मॉर्बिली वायरस होता है आपका, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये पैरामिक्सी विरिडी नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं तो स्मॉल पॉक्स हमारा जो वायरस होता है ये वायरस कौन सा है, वेरियोला वायरस है आपका। और वेरियोला जो वायरस होता है आपका, ये वायरस बिलोंग करता है आपका किसके से बिलोंग करता है, ये पॉक्स विरिडी नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद में अगर हम लोग मम्स की बात करते हैं तो मम्स रूबेला वायरस की वजह से होता है और ये भी पैरामिक्सी विरिडी नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो स्मॉल पॉक्स है तो स्मॉल पॉक्स का जो आपका टीका है या फिर आपका जो वैक्सीन है ये किसने खोजा था, ये एडवर्ड जेनर ने आपका डिस्कवर किया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था। और ये इन्होंने डिस्कवर किया था काफ़ी पहले डिस्कवर किया था, ये 1796 में इन्होंने डिस्कवर किया था। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद में हम लोग उन डिसीज की बात करते हैं जो कि हमारी फूड और वाटर बॉर्न डिसीज है, यानी कि ऐसी डिसीज जो कि हमें क्या होती है कि फूड और वाटर के कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर का जब हम लोग इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से वो जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी में आता है और हमको जो डिसीज हो जाती है। अगर हम लोग पहले डिसीज की बात करते हैं तो पोलियो माइटलस यानी पोलियो जो डिसीज होती है इसके वायरस का नाम की अगर बात करते हैं तो ये हमारा किसकी वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है। और ये जो पोलियो वायरस होता है ये हमारा बिलोंग करता है कि पिक्रोना विरिडी नाम की जो फैमिली है इससे बिलोंग करता है। पोलियोमाइटलस पोलियो है, याद रखना है आपको, पोलियो वायरस की वजह से होता है पोलियोमाइटलस। और ये जो पोलियो वायरस होता है ये बिलोंग करता है कि पिक्रोना विरिडी नाम की जो फैमिली है आपकी इससे बिलोंग करता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी वैक्सीन की, तो इसकी वैक्सीन जो थी वो आपकी जॉन साक नाम के जो साइंटिस्ट थे आपके, तो इन्होंने किया गया था कि इसकी वैक्सीन को डिस्कवर किया था। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि पोलियो की जो वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर की थी, वो किसने बनाई थी, जॉन साक नाम के जो साइंटिस्ट थे आपके, इन्होंने बनाई थी। इसके बाद में अगली डिसीज की बात करते हैं जो कि हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनलिस है आपके, यानी कि हमारे जो स्टमक वाला रीजन होता है वहां पर जो इस वायरस की वजह से हम लोगों को इन्फेक्शन क्रिएट होता है और डिसीज होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनलिस। तो अगर हम लोग इसके वायरस की बात करते हैं तो जो रोटा वायरस होता है तो रोटा वायरस की वजह से हमको होती है, और रोटा वायरस हमारा बिलोंग करता है कि रियो विरिडी नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपको यहां पर याद रखना है कि जो कॉमन डिसीज हम लोगों को होती है फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीज, यानी कि ऐसी डिसीज जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से हमको होती है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पोलियोमाइटलस की, जो कि हमको पोलियो वायरस की वजह से होती है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये पिक्रोना विरिडी नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। और पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो किसने डिस्कवर की थी, तो जॉन साक नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने पोलियो की वैक्सीन को डिस्कवर किया था। अगले डिसीज की बात करते हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनलिस जो डिसीज है आपकी, ये डिसीज होती है आपकी रोटा वायरस की वजह से। और ये रोटा वायरस जो होता है ये रियो विरिडी नाम की जो आपकी फैमिली है उस फैमिली से बिलोंग करता है। कैटेगरी की बात करते हैं तो अगली कैटेगरी में हमारे आते हैं वो आर्थोपोड वेक्टर, जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, इधर से उधर कैरी करने का काम करते हैं वायरस को। तो कुछ हमारे आर्थोपोड ऐसे होते हैं जो वायरस को एक पर्सन से कंटेमिनेटेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में डिसीज को या फिर वायरस को ले जाने का काम करते हैं, और उस वायरस की वजह से हमें क्या होती है, डिसीज होती है। सबसे पहले डिसीज की बात करते हैं तो सबसे पहले डिसीज एंसेफलाइटिस डिसीज है आपके। ये जो एंसेफलाइटिस डिसीज है इसे जापानीज एंसेफलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है आपका। ये जो डिसीज होती है ये डिसीज आपकी जो फीमेल क्यूलेक्स होती है आपकी, तो ये फीमेल जो क्यूलेक्स होती है आपकी ये इधर से उधर कैरी करने का काम करता है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस डिसीज होती है ये किस वेक्टर के थ्रू इधर से उधर ट्रांसमिट की जाती है, तो वो कौन है, फीमेल क्यूलेक्स है। ये किसकी वजह से होता है, उस वायरस का नाम क्या है, फ्लेवी वायरस नाम है आपका, जिसकी वजह से जापानीज इंसेफ्लाइटिस या इंसेफ्लाइटिस होता है आपका।
ऑप्शन में आपको जापानीज इंसेफ्लाइटिस के दो ऑप्शन मिल सकते हैं, या तो आपको फ्लेवी वायरस मिलेगा या तो फिर आपको क्या मिलेगा, एर्बो वायरस मिलेगा। इन दोनों में से अगर कोई सा भी ऑप्शन आपको आता है तो इन दोनों में से आप कोई सा भी ऑप्शन लगा सकते हैं, दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। क्योंकि कुछ जगहों पर क्या होता है कि जो आपका एर्बो वायरस होता है उसकी वजह से जो डिसीज होती है वो यानी होती है, और कुछ जगहों पर क्या होता है जो फ्लेवी वायरस है उसकी वजह से होती है। लेकिन जो ट्रांसमिट करने का काम होता है वो कौन करता है, जो फीमेल क्यूलेक्स होती है ये करती है। अगर हम लोग बात करते हैं येलो फीवर की, तो येलो फीवर जो होता है आपका ये किसकी वजह से होता है, ये हमारा जो फ्लेवी वायरस होता है इसकी वजह से होता है। और ये वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है, टोगा विरिडी नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि एंसेफ्लाइटिस, येलो फीवर या फिर डेंगू, ये तीनों के तीनों जो फीवर के टाइप हैं आपके, ये तीनों के तीनों जो फीवर के टाइप हैं किस वायरस की वजह से होते हैं, तो ये फ्लेवी वायरस की वजह से होते हैं तीनों के तीनों, आपको ये याद रखना है। और ये जो फ्लेवी वायरस है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये टोगा विरिडी नाम की जो फैमिली है ये इससे बिलोंग करता है। कि एंसेफ्लाइटिस, येलो फीवर और डेंगू फीवर, ये तीनों के तीनों जो फीवर होते हैं आपके ये किस वायरस की वजह से होती हैं, ये फ्लेवी वायरस की वजह से होती हैं या एर्बो वायरस की वजह से होती हैं। एर्बो वायरस हमारा एंसेफ्लाइटिस के केस में आ सकता है और बाकी दोनों के केस में हमारा फ्लेवी वायरस ही रहेगा। ये जो फ्लेवी वायरस होता है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, टोगा विरिडी नाम की जो फैमिली है इससे बिलोंग करता है। अगर हम लोग बात करते हैं येलो फीवर कौन, येलो फीवर का वेक्टर कौन सा है, तो येलो फीवर का जो वेक्टर होता है आपका, तो ये क्या होता है कि जो एडीज मॉस्किटो होता है आपका ये होता है, और एडीज में भी क्या होती है, जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो फीमेल मॉस्किटो इधर से उधर कैरी करने का काम करती है किसको, येलो फीवर के वायरस को। अगर हम लोग डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू में क्या होता है कि जो एडीज है आपका मॉस्किटो, तो ये एडीज मॉस्किटो ही क्या करती है कि इधर से उधर ये कैरी करने का काम करती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आर्थ्रोपोड वेक्टर की वजह से हमें कॉमनली तीन डिसीज होती हैं, एंसेफ्लाइटिस, येलो फीवर एंड डेंगू फीवर। ये तीनों की तीनों जो डिसीज होती हैं ये किस वायरस की वजह से होती हैं, ये फ्लेवी वायरस की वजह से होती हैं। फ्लेवी वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है, टोगा विरिडी नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। फ्लेवी वायरस का जो कैरियर है वो क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स है। येलो फीवर का जो कैरियर है वो फीमेल एडीज है, और जो आपका डेंगू का जो कैरियर है वो एडीज मॉस्किटो है। आपको ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर हम लोग अगले पार्ट की बात करते हैं फिर अगले की, तो ये हमारा क्या है कि कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जो कि हमारी क्या होती है, कॉन्टेक्ट की वजह से या फिर किसी के काटने की वजह से ह्यूमन्स में होती हैं। तो इसमें उन डिसीज अगर हम लोग बात करते हैं, कॉन्टैक्ट का मतलब यह हुआ कि पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट हुआ, या फिर आप हॉस्पिटल गए वहां पर आप किसी भी इंफेक्टेड पर्सन से या इंफेक्शियस पर्सन से मिले, तो उसकी वजह से आप में जो डिसीज होती है। तो सबसे पहले डिसीज की बात करते हैं, तो यह जो हमारा कॉमन कोल्ड होता है आपका, हमारा सर्दी जुकाम जो हम लोगों को हो जाती है, तो ये जो वायरस होता है, तो जो रीनो वायरस होता है आपका, इस रीनो वायरस की वजह से हम लोगों को कॉमन कोल्ड हो जाता है। और ये जो रीनो वायरस होता है आपका ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है आपका पी कोरोना विरिडी नाम की जो फैमिली होती है उससे बिलोंग करता है आपका। इसके बाद में अगला है हमारी हर्पीस है आपका, तो जो हर्पीस डिसीज होती है ये किस वायरस की वजह से होती है, ये हर्पीस वायरस की वजह से होती है। और हर्पीस वायरस हमारा किस फैमिली से बिलोंग करता है, हर्पीस विरिडी नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। और ये जो हर्पीस विरिडी फैमिली है इस फैमिली से ही हमारा जो कौन बिलोंग करता है, वेरियोला जोस्टर बिलोंग करता है, जिसकी वजह से चिकन पॉक्स डिसीज होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद में अगर हम लोग रेबीज की बात करते हैं, तो रेबीज यानी कि जो कैटल्स होते हैं, या कैटल्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेनली जो हाउस होल्ड पेट होते हैं उनके कुत्ते बिल्ली हो गए, उनके काटने की वजह से जो हम लोगों को डिसीज होती है उसी को रेबीज कहते हैं। रेबीज का जो वायरस होता है ल्यासा वायरस होता है आपका, इस वायरस की वजह से हम लोगों को रेबीज होता है। और रेबीज का जो वायरस ल्यासा वायरस होता है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये हमारा रैबडोविरिडी नाम की जो फैमिली है इस फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद में हम लोग हेपेटाइटिस की बात करते हैं, तो हेपेटाइटिस हम लोग कॉमनली बोल देते हैं हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, लेकिन हेपेटाइटिस हमारी 5 तरीके की होती है। तो वो 5 तरीके के अलग अलग वायरस होते हैं और कुछ वायरस की अलग अलग फैमिली होती है, उस फैमिली से ही हेपेटाइटिस होता है। अगर हम लोग हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं, तो हेपेटाइटिस ए जो है आपका, इसके वायरस के अगर नाम की बात करते हैं, तो हेपेटो वायरस जो होता है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस ए होती है। अगर इस हेपेटाइटिस ए वाले वायरस की यानी हेपेटो वायरस की फैमिली की बात करते हैं, तो हमारा जो पिकोरोना फैमिली है आपकी, पिकोरोना विरिडी नाम की जो फैमिली है, इस फैमिली से बिलोंग करता है हेपेटाइटिस ए
का वायरस, हेपेटो वायरस, ठीक है। अगर हम लोग हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो जो हेपेटाइटिस बी है आपका, ये किस वायरस की वजह से होता है, तो आर्थो हेपेडना वायरस जो होता है इसकी वजह से हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस बी के वायरस का नाम क्या है, आर्थो हेपेडना जो वायरस है आपका, ये वायरस का नाम है हेपेटाइटिस बी, जिसकी वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी होता है आपको आर्थो हेपेडना वायरस की वजह से होता है। ये वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये वायरस आपका हेपेडिना विरिडी नाम की जो फैमिली होती है उससे बिलोंग करता है, याद रखना है आपको। हेपेटाइटिस बी आर्थो हेपेडिना वायरस जो होता है इसकी वजह से होता है, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, हेपेडिना विरिडी नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। हेपेटाइटिस अगर सी की बात करते हैं हम लोग, तो हेपेटाइटिस सी जो होता है वो हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है, और ये जो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है आपका, ये फ्लेविविरिडी नाम की जो फैमिली होती है आपकी, इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि हेपेटाइटिस सी किसकी वजह से होता है, तो हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से हेपेटाइटिस होता है, और ये वायरस किससे बिलोंग करता है, ये वायरस आपकी फ्लेविविरिडी नाम की जो फैमिली होती है उससे बिलोंग करता है। अगर हेपेटाइटिस डी की बात करते हैं, तो ये हमारा हेपेटाइटिस डी जो वायरस जो होता है इसकी वजह से होता है आपका, और इसकी फैमिली अभी डिस्कवर्ड नहीं है, तो इसकी मेन फैमिली हम लोग बोलते हैं कि इसकी जो फैमिली है आपकी, ये पिक्रोना विरिडी नाम की जो फैमिली है, इस फैमिली से बिलोंग करता है आपका। और हेपेटाइटिस जो डी है आपका, ये हेपेटाइटिस बी डी हमको तब होता है जब हमारी बॉडी में हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है, यानी कि जब हमारी बॉडी में आर्थो हेपेडिना वायरस होगा, तो उसकी वजह से हम लोगों को हेपेटाइटिस बी होगा, और हेपेटाइटिस बी के साथ साथ में क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी डी भी हमको हो जाता है, तो हेपेटाइटिस डी भी हमको एक साथ ही होते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस बी, ये मोस्टली हम लोगों को एक साथ देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन बी और डी का ज़्यादा होता है, कि हेपेटाइटिस बी और सी हमारे सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा डेथ जो होती है हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होती है, जिसमें अपने इंडिया की बात करते हैं तो अपने इंडिया में हेपेटाइटिस बी सबसे ज़्यादा है, और फिर उसके बाद में हेपेटाइटिस ए, और बाकी जो होती है वो जॉइंटिस के ही हमारे फीचर होते हैं, पीलिया जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो उनके फीचर होते हैं इनमें पाए जाते हैं। अगर हम लोग हेपेटाइटिस ई की बात करते हैं, तो ये होता है हमको हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से, और ये जो हेपेटाइटिस ई का जो वायरस होता है आपका, तो ये जो वायरस होता है ये बिलोंग करता है आपका कैल्सीविरिडी नाम की जो फैमिली होती है, इस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये तो था हेपेटाइटिस का पूरा एक समरी कि हेपेटाइटिस के हमारे पांच टाइप होते हैं, और वो पांच टाइप किन किन वायरस की वजह से होते हैं, और वो वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये तो था पूरा का पूरा चार्ट आपका वायरस, यानी ह्यूमन वायरल डिसीज का पूरा चार्ट, यानी कि ह्यूमन वायरल डिसीज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ह्यूमन वायरल डिसीज यानी हम लोगों ने चार कैटेगरी में इनको डिवाइड किया। सबसे पहले कैटेगरी थी हमारी कि ऐसे वायरस जो एयर के थ्रू इधर से उधर पहुँचते हैं, वो हमारे वायरस। दूसरे थे कंटेनमेटेड फूड एंड वाटर की वजह से जो हमें डिसीज होती हैं, जो वायरस इधर से उधर जाता है। तीसरा था कि ऐसे वायरस जो आर्थ्रोपोड इधर से उधर लेकर के जाने का काम करते हैं। और चौथा क्या था हमारा, जो हमारा कांटेक्ट या फिर बाइट की वजह से होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन हम लोग जल्दी से कर लेते हैं कि कौन सा जो डिसीज है किस वायरस की वजह से होता है और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। चिकन पॉक्स की बात करते हैं, तो चिकन पॉक्स वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से होता है, हर्पिस विरिडी नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। चिकन पॉक्स वेरिसोला जोस्टर नाम के वायरस की वजह से होता है, और ये हर्पिस विरिडी नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, तो ऑर्थोमिक्सो वायरस की वजह से होता है, फैमिली का नाम ऑर्थोमिक्सो विरिडी है आपकी। मिजल्स की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, मोरबिली वायरस की वजह से होता है, और फैमिली ये मोरबिली जो वायरस है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, पैरा मिक्सोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। उसी तरीके से स्मॉल पॉक्स की बात कर लेते हैं, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस की वजह से होता है, पॉक्स विरिडी नाम की फैमिली से बिलोंग करता है आपका। एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट हैं आपके, इन्होंने स्मॉल पॉक्स के टीके की डिस्कवरी की थी, यानी वैक्सीन की डिस्कवरी इन्होंने की थी। मम्स की बात करते हैं, तो मम्स रुबेला वायरस की वजह से होता है, और पैरामिक्सोविरिडी इसकी फैमिली का नाम है इस रुबेला वायरस की। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग फूड एंड वाटर बॉर्न वायरस की
करते हैं कि ऐसे कौन कौन से वायरस है जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं, तो पोलियोमाइटलस की बात करते हैं, पोलियोमाइटलस पोलियो वायरस की वजह से डिसीज होती है, और ये जो वायरस होता है ये पिक्रोना विरिडी नाम की जो फैमिली होता है इससे बिलोंग करता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि पोलियो की जो वैक्सीन है जॉन सार्क नाम के जो साइंटिस्ट है इन्होंने बनाई थी। इसके बाद में जो डिसीज है गैस्ट्रो इंटेस्टाइलिस है आपकी, ये डिसीज रोटा वायरस की वजह से होता है, और रोटा वायरस रियो विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है आपका। इसके बाद में हमारे कुछ ऐसी डिसीज हैं जो कि हमारे आर्थोपोड वेक्टर उन वायरस को इधर से उधर ट्रांसफर करने का या फिर ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, और ये डिसीज बाई ब्लड जो वायरस होता है बाई ब्लड इधर उधर आता जाता है आपका। तो अगर हम लोग सबसे पहले एंसेफ्लाइटिस की बात करते हैं तो एंसेफ्लाइटिस को जैपनीज एंसेफ्लाइटिस भी कहते हैं, फ्लेवी वायरस या एर्बो वायरस की वजह से होता है, ये वायरस बिलोंग करता है टोगो विरिडी नाम की फैमिली से। उसी तरीके से और सॉरी जो इंसेफ्लाइटिस होता है फीमेल क्यूलेक्स होती है इधर से उधर ट्रांसमिट करने का काम करती है, जो येलो फीवर होता है फीमेल एडीज इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम करती है, फ्लेवी वायरस की वजह से होता है, फ्लेवी वायरस टोगो विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। डेंगू फीवर की बात करते हैं, डेंगू फीवर एडीज जो होता है इधर से उधर ले जाने का काम करता है, फ्लेवी वायरस की वजह से होता है, और ये वायरस टोगो विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद में अगर हम लोग ऐसे वायरस की बात करते हैं जो हमारे कॉन्टेक्ट किसी के काटने की वजह से फैलते हैं, तो हम लोग कोल्ड की बात करते हैं, कॉमन कोल्ड या रिनो वायरस की वजह से होता है आपका, और ये पिक्रोना विरिडी नाम की जो फैमिली है इससे ये इस फैमिली का मेंबर है। हर्पिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हर्पिस वायरस की वजह से होता है, और ये जो फैमिली है इस वायरस के ये हर्पिस विरिडी नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद में अगर हम लोग रेबीज की बात करते हैं तो रेबीज जो है आपका ल्यासा वायरस जो होता है ये उस वायरस का नाम है जिसकी वजह से रेबीज होता है, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, रैबडो विरिडी नाम की जो फैमिली है इससे बिलोंग करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, जो रेबी ये रेबीज होता है आपका, तो रेबीज हमारा होता है जो हमारे पिट्स होते हैं उनके काटने की वजह से। हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस ए हेपेटो वायरस की वजह से होता है आपका, इस ये जो हेपेटो वायरस है आपका ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है हमारा पिक्रोना विरिडी नाम की जो फैमिली है इससे बिलोंग करता है। हेपेटाइटिस ए हेपेटो वायरस की वजह से होता है, पिक्रोना विरिडी इस फैमिली का नाम है जिससे हेपेटो वायरस रहता है इस फैमिली में, ठीक है। अगर हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो ऑर्थो हेपेडिना वायरस जो होता है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी होता है आपका, और ये जो वायरस होता है ये बिलोंग करता है हेपेडिना विरिडी नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है, ये बिलोंग करता है फ्लेवी विरिडी नाम की फैमिली से। हेपेटाइटिस जो डी है आपका ये हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से होता है, और हेपेटाइटिस बी और डी एक साथ होते हैं हमारे ये हमेशा। अगर हेपेटाइटिस ई की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से हेपेटाइटिस ई होता है, और ये कैल्सी विरिडी नाम की फैमिली से होता है। अगर हम लोग एड्स की बात कर लेते हैं तो एड्स जो है आपका एचआईवी वायरस की वजह से होता है, जिसके कई सारे कारण हैं हमारे कि वो अलग अलग कारण हैं कि अनसेफ सेक्स की वजह से होता है, अगर सिरिंज इधर से उधर हो गई यानी कि कंटेनमेंटेड सिरिंज अगर हेल्दी पर्सन को लगा दिया गया वहाँ पर भी होता है, तो इस तरीके से होता है। और अगर इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका मदर होती है मदर से बच्चे को दूध पिलाते टाइम भी हो सकता है, फिर उसके जो पेट में जब डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम पे भी हो जाता है, तो इस तरीके से अलग अलग रीज़न होते हैं, साथ में खाना खाने वगैरह से एड्स नहीं होता है। एड्स के अगर पूरे नाम की बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है। एचआईवी के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एचआईवी का पूरा नाम है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है आपको। एड्स के बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो कि कॉमनली पूछ आती है कि जो एड्स होता है जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट और हेल्पर टी सेल्स, ये तीन तरीके की जो सेल होती हैं जो सबसे अच्छी एंटीबॉडीज होती हैं हमारी, तो इनको ये सबसे पहले डिस्ट्रॉय करता है जाकर के, और जिसके बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। कई सारी रिसर्च में ये भी बोला गया है कि जो एड्स होता है वो एड्स 24 तरह अलग अलग तरीके की डिसीज का एक कॉम्बिनेशन है आपका, जिसकी वजह से हम लोगों को एड्स होता है। जिस किसी भी पर्सन को एड्स होता है उसमें जैसे आपका
फ्लू वगैरह हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया आपका, तो ये हमारी डिसीज़ कॉमनली उनमें हमेशा होती होती हैं, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो जाते हैं, ये सारी की सारी जो डिसीज़ हैं हमकी, ये एड्स वाले पर्सन को होती हैं। तो इस वजह से बोलते हैं कि जो एड्स है आपका वो 24 से ज़्यादा डिसीज़ का एक कॉम्बिनेशन है आपका, ठीक है। एड्स के बारे में याद रखिएगा कि एड्स HIV वायरस की वजह से होता है दोस्तों। तो ये तो थी वो सारी की सारी डिसीज़ जो ह्यूमन वायरल डिसीज़ थी, जो कि ह्यूमन में हम लोगों को कॉमनली पाई जाती हैं। और ये आज के टॉपिक में हमने ये सारा का सारा क्लियर कर लिया कि कौन सी डिसीज़ किस वायरस की वजह से होती है और वो वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो वायरस है आपके, ये जो वायरस है इनमें जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो कैसा है, तो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, उस लिंक पर जा करके आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर आपको डिटेल स्टडी मिल जाएगी। ये जो वायरस है इनमें कौन किस तरीके का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, डबल स्टैंड या सिंगल स्टैंड, किस तरीके का DNA RNA जो भी मिलता है इनमें। तो अगर आज के वीडियो में कोई सी भी डिसीज़ छूट गई हो तो आज का वो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं उसको मेंशन कर दूंगा एक अलग वीडियो बना करके। या फिर आप किसी भी अलग टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं उस टॉपिक का वीडियो बना करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि जो भी एग्ज़ाम में जो डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं वो ना हो और नंबर हम सभी अच्छा सा स्कोर कर सकें।